हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल ऑनलाइन अर्निंग में। दोस्तों आज है संडे और संडे कमेंट बॉक्स पे किए गए आपके क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो ज़्यादा टाइम आपका न लेते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही चलते हैं। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर सेशन। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आया है खान वसीम का और इन्होंने ये पूछा है कि सर न्यू प्रोडक्ट कब आएगा और सर क्या प्रीवियस मंथ में ऑर्डर किया गया प्रोडक्ट इस महीने क्लियर हो जाएगा। देखिए न्यू प्रोडक्ट ऐड होने में अभी टाइम लगेगा और जैसे ही कंपनी के पास नए प्रोडक्ट आते हैं वैसे ही कंपनी आपको यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर देगी और वो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी ने ऑर्डर लगा रखे हैं, जैसे ही आएंगे कंपनी के पास वैसे ही अपडेट भी मिल जाएगी आपको और वहाँ पे आपको जब प्रोडक्ट ऐड कर दिए जाएंगे तो भी आपको अपडेट दे दी जाएगी। और आपने ये पूछा है कि पिछले महीने में लगाए हुए प्रोडक्ट इस महीने क्लियर हो जाएंगे क्या। देखिए जिन लोगों ने भी अगस्त महीने में ऑर्डर किया था उनका इस महीने में निकलेगा प्रोडक्ट और अगले महीने से उम्मीद है कि सितंबर में लगे हुए प्रोडक्ट 10 दिन के अंदर एक हफ्ते के अंदर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद है देखिए निकल जाएगा और जो भी कोई अपडेट आता है कंपनी की तरफ से तो आपको ज़रूर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन किया है अमिया कुमार सेट्टी ने और इन्होंने ये पूछा है कि सर आउट ऑफ कंट्री कब लॉन्च होगा। देखिए उम्मीद है कि दिसंबर या जनवरी तक आउट ऑफ कंट्री स्टार्ट होने की उम्मीद है और जैसे ही आउट ऑफ कंट्री होगी तो आपको भी अपडेट दिया जाएगा और कुछ पहले भी पता चलता है तो आपको ज़रूर अपडेट दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन किया है रश्मि रंजन ने और इनका पूछा है कि सर शॉपिंग में शॉर्ट पैंट की जो साइज है एक्सल तक ही है, इससे बड़ा नहीं है, कब तक इससे बड़ा अवेलेबल होगा। देखिए अभी जो भी साइज आपको मिल रही है यही है और जैसे ही आती है अब इससे बड़ी साइज तो आपको वहां पे आपको बड़ी साइज भी देखने को मिलेगी और आपकी बात कंपनी तक पहुँचाने की कोशिश हम करेंगे कि इससे बड़ी भी साइज लाई जाए ताकि और भी जो लोग इससे बड़ी साइज पहनते हैं उनको यहाँ पे भी प्रोडक्ट मिल सके। अगला क्वेश्चन है संजीत दास का और इन्होंने पूछा है कि डिलीवरी चार्ज इतना ज़्यादा क्यों, वन प्रोडक्ट 120 रुपये टू सेम 10 प्रोडक्ट बाय करने पे 500 रुपये ज़्यादा लगता है, प्लीज़ आंसर सर। देखिए सर संजीत जी, यहाँ पे जो डिलीवरी चार्ज रखा गया है वहाँ पे पैकेजिंग और डिलीवरी चार्ज मिला के रखा गया है और डिलीवरी चार्ज कहीं पे भी आज कोई प्रोडक्ट अगर आप भेजते हैं तो वहाँ पे आपको डिलीवरी चार्ज इतना पे करना पड़ता है लमसम। आप ही अपने कोरियर कहीं आपके आसपास कोरियर वाला होगा और वहाँ कोई दो एक या दो जींस लेके जाइएगा और उनसे पूछिएगा कि डिलीवरी चार्ज कितना लगता है तो वो आपको बता देंगे। अगर आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से कंपेयर कर रहे हैं तो वो अपने प्रोडक्ट में मैनेज कर लेते हैं और जो है कि उनका डिलीवरी का सिस्टम ही अलग है, उनका पूरा बना हुआ है, वो अपने हिसाब से उस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको 120 या अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग डिलीवरी चार्ज भी हैं और अगर सेम वही प्रोडक्ट अगर दो क्वांटिटी में अगर बुक करते हैं, दो प्रोडक्ट सेम वही बुक करते हैं और एक साथ बुक करते हैं तो आपको एक ही डिलीवरी चार्ज पे करना होता है। जैसे जींस पे 120 रुपये का डिलीवरी चार्ज है और सेम साइज की एक दो जींस आप बाय करते हैं तो आपको एक डिलीवरी चार्ज देना पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिलीवरी चार्ज लगता है और जब इंडियन नीड्स स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पे जैसा सिस्टम बनेगा उसके हिसाब से डिलीवरी चार्ज भी आपका उम्मीद है कम हो जाएगा। और यहाँ पे डिलीवरी चार्ज की बात की जाए तो यहाँ पे आपको अपने पॉकेट से डिलीवरी चार्ज ही पे करना होता है और जो पैसा जो आपका प्रोडक्ट का पैसा है वो आपको जो इनकम करते हैं उसी वॉलेट से आपका पैसा कट जाता है। तो प्रोडक्ट का पैसा तो आपको नहीं पे करना है, आपको तो सिर्फ डिलीवरी चार्ज ही पे करना है और कंपनी ने भी ये कह रखा है कि जो हम शॉपिंग पोर्टल की इनकम दे रहे हैं, शॉप वॉलेट की इनकम दे रहे हैं वो गिफ्ट वॉलेट यानी आपको गिफ्ट कर रहे हैं तो आप उसको गिफ्ट मनी समझिए और आपको वहाँ पे प्रोडक्ट ऑर्डर करने पे डिलीवरी चार्ज इतना पे करना पड़ेगा।
और अगला क्वेश्चन पूछा है रूपक शर्मा ने, और इनका ये क्वेश्चन है कि ये बहुत बोर कर रहा है आजकल, उसमें इतना वेट क्यों करवाता है, 12 सेकेंड का बार बार टाइमर चलता है। देखिए आप वर्क कर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत बड़ा वर्क तो है नहीं, इसमें आपको क्लिक करना है और वहाँ पे भी 12 सेकेंड कर रहे हैं, वहाँ पे 20-20 सेकेंड का दो टाइमर चलता है। तो आप इनकम करना है तो आपको तो वर्क करना होगा, फ्री में कोई भी कंपनी पैसा नहीं देगी। अगर आपको बोरियत लगती है तो उस बोरियत को दूर करने के लिए आपको टीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब आप टीम बनाएंगे और उसके बाद आपकी जब अच्छी खासी इनकम होने लगेगी तो आपको यहाँ पे बोरियत नहीं होगी, फिर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट इतना मिलेगा कि आप अक्सर रात में ही उठ के टास्क पूरा कर लेंगे। लेकिन 6 रुपए के लिए जब तक आप काम करेंगे तब तक आपको बोरियत लगेगी, और जब आप इसमें टीम बनाना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपकी बोरियत ख़त्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है इंदर दास का, और इन्होंने पूछा है कि सर मैंडेटरी टास्क के चक्कर में मेरी 5 दिन तक टास्क कंप्लीट नहीं हुआ था, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाया था, 2 दिन से हो रहा है, इनकम आएगी या नहीं। देखिए आपका 2 दिन से टास्क कंप्लीट हो रहा है तो आपको तो मालूम चल ही गया होगा कि आपको इनकम मिलना स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें एक ही है कि अगर आप यस्टरडे का टास्क आपका कंप्लीट नहीं है तो टुडे इनकम नहीं आएगी। तो आपका 2 दिन लगातार अगर आपने टास्क कंप्लीट कर लिया है तो आपको इनकम मिलना स्टार्ट हो चुकी होगी। और एक और पेनल्टी लगती है कि जैसे कि अगर आपका लगातार 15 दिन गैप हो चुका है तो आपका 50% वॉलेट से डिडक्ट होता है। तो आपका 4-5 दिन ही गैप हुआ है तो आपका कोई डिडक्शन नहीं होगा और आपको मिलना इनकम भी मिलना स्टार्ट हो चुकी होगी। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपने काफ़ी कोशिश की मैंडेटरी टास्क पूरा करने की लेकिन फिर भी आपका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए अगर आपने इस चैनल पे वीडियो देखा होता मैंडेटरी टास्क का तो मुझे 100% उम्मीद है कि आपका मैंडेटरी टास्क पूरा हो गया होता, क्योंकि वो जो वीडियो बताया गया था आपको पूरा एकदम सिस्टम वाइज बताया गया था और एक भी पॉइंट उसमें मिस नहीं किया गया था। लेकिन उससे आसानी से भी लोग टास्क पूरा कर रहे थे, ताकि हमने इसलिए बताया था कि कोई भी किसी का भी इस तरह से प्रॉब्लम ना आए, इसकी वजह से मैंने पूरा सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो बनाया था जैसे कि आप सभी लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए। आपने कोशिश की होती तो आपका मैंडेटरी टास्क पूरा हो गया होता, थोड़ी सी भी कोशिश की होती तो आपका मैंडेटरी टास्क पूरा हो गया होता, क्योंकि उसके बाद अभी जब हमने वीडियो बना के दिया था तो उस समय आसानी से लोगों के टास्क नहीं पूरे हो पा रहे थे, मतलब जैसे हमने बताया था वैसे ही लोगों के टास्क पूरे हो रहे थे, लेकिन हमारे वीडियो डालने के बाद कुछ समय बाद आसानी से भी लोगों के टास्क कंप्लीट होने लगे थे और अभी भी हो रहे हैं। तो आप वीडियो एक बार देख लीजिए और आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मैंडेटरी टास्क पूरा करना है, और जिसके भी मैंडेटरी टास्क कंप्लीट नहीं हुए हैं वो एक बार जाके वीडियो देख ले और उनका मैंडेटरी टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किया है टेक्निकल शर्मा ने, और इनका ये क्वेश्चन है कि सर अभी तक मेरा प्रोडक्ट नहीं आया, मैं क्या करूँ, हमारे डाउनलाइन के लोग पूछ रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट कब तक आएगा या नहीं आएगा, 15 अगस्त को प्रोडक्ट बाय किया था बट अभी तक नहीं आया। देखिए अगर आपने 15 अगस्त को प्रोडक्ट ऑर्डर किया था तो आप अपनी आईडी ओपन करके और माई ऑर्डर में जाके और डॉकेट नंबर में वहां पे चेक करिए कोई ट्रैकिंग आईडी मिली है कि नहीं। अगर आपको ट्रैकिंग आईडी मिल गई है तो आप चेक कर लीजिए, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा कि ऑर्डर जो हम प्रोडक्ट बुक करते हैं वो ट्रैकिंग आईडी से इंडिया पोस्ट से किस तरीके से हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। तो वहां से जाके आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कहां तक पहुंचा है। अगर डॉकेट नंबर नहीं मिला होगा तो वहां पे आपको डेट लिखी होगी, अगर डेट भी नहीं लिखी हो वहां पे डेट लिखी होगी कि कितने तारीख को आपका प्रोडक्ट निकल गया है या कितने तारीख को निकलेगा, तो उसके हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। अगर कुछ भी नहीं आया है वहां पे तो एक बार कस्टमर केयर से बात कर लीजिएगा, आपका प्रोडक्ट वहां से निकल जाएगा। तो कस्टमर केयर से बात करेंगे तो आपको कस्टमर केयर से बात करने में टाइम लग सकता है, क्योंकि कोई ना कोई बात करने में लगा रहता है तो वहाँ पे बिजी बताएगा, तो आप वहाँ पे कोशिश करके लगाइए क्योंकि ज़रूरत आपकी है। अगला क्वेश्चन है इंदर दास का, और इन्होंने पूछा है कि मैंने दो बार विड्रॉल लगाया है लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया, पैसा दिखाने वाले तो बहुत दिखाते हैं लेकिन मेरी इनकम मेरा विड्रॉल क्यों नहीं आ रहा है।
देखिए आपने दो बार विड्रॉल लगाया है, आपका विड्रॉल नहीं आया है, ऐसा कैसे हो सकता है? और जहाँ तक मुझे मालूम है कि आपका पहला विड्रॉल 190 का आ चुका है, तो आपने जो विड्रॉल लगाया है तो ये तो आप पहले क्लियर करिए कि आपने जो विड्रॉल लगाया है वो सिस्टमेटिक तरीके से सही विड्रॉल लगाया है या आपने किसी और वॉलेट में अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि विड्रॉल लगाने का क्या सिस्टम है। इसमें विड्रॉल लगाने के लिए 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में जो आपके बैलेंस मनी में पैसा बनता है उसका ही आप विड्रॉल लगाते हैं। और बैलेंस मनी में आपका कितना पैसा होना चाहिए? मिनिमम 500 रुपये होना चाहिए रिचार्ज वॉलेट में, या रिचार्ज वॉलेट में यानी कि आपका यूटिलिटी वॉलेट में विड्रॉल लगाने के लिए कम से कम आपके बैलेंस मनी में 500 रुपये होने चाहिए। अगर अकाउंट में लगाना है, बैंक में लगाना है, तो आपके उस वॉलेट में 1000 या उसके ऊपर होने चाहिए। और अगर आपको डायरेक्ट बैंक में लगाना है तो आपको 5000 या उससे ऊपर होने चाहिए, यानी कि 1000 या उससे ऊपर जो आप विड्रॉल लगाएंगे वो आपके IMPS वॉलेट में जाता है। तो आप पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि आपके बैलेंस मनी में 500 या ऊपर बना था या नहीं बना था। और आपने और इसको विड्रॉल लगाते कैसे है कि विड्रॉल लगाने के लिए आपको ऊपर 3 लाइन पे क्लिक करना होता है। 3 लाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन मिलेगा वॉलेट का, वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कई सारा ऑप्शन वहीं पे ओपन होगा। वहीं पे वॉलेट इन्फो के जस्ट नीचे आपको विड्रॉल लिखा होगा। विड्रॉल पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएगा कि आप किस वॉलेट में पैसा लगा सकते हैं, पूरा वहाँ पे डिटेल लिखी होगी। नीचे जाएंगे, सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा। सेलेक्ट में आप 500 या उससे ऊपर है तो आप यूटिलिटी वॉलेट सेलेक्ट करेंगे, 1000 या उससे ऊपर है तो आप IMPS वॉलेट या यूटिलिटी वॉलेट दोनों में से कोई लगा सकते हैं। अगर 5000 या उससे ऊपर है तो डायरेक्ट आप बैंक विड्रॉल लगाएंगे। तो उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप अमाउंट भरेंगे, जितना आपके बैलेंस मनी में है उतना फिल करके नीचे ट्रांसफ़र लिखा हुआ है ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देंगे, आपका विड्रॉल सक्सेसफुल लग जाएगा। और ये जो विड्रॉल लगता है 1 से 5 तारीख के बीच में ही लगता है और 25 से 30 इसके आने की डेट है, लेकिन अक्सर 23-24 तारीख को आपका सभी का विड्रॉल आ जाया करता है। तो आप ये पहले कंफर्म करिए कि आपने इसी तरीके से विड्रॉल लगाया है या विड्रॉल के नीचे वॉलेट इन्फो वॉलेट पे क्लिक 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद वॉलेट पे क्लिक करेंगे। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ट्रांसफ़र टू RAG शॉप, ट्रांसफ़र टू बिट टू विन, ट्रांसफ़र टू इंडी लव्स, ट्रांसफ़र टू गिफ्ट वॉलेट। तो इस सब वॉलेट में तो आपने ट्रांसफ़र तो नहीं किया है, तो ये अगर इस सब वॉलेट में ट्रांसफ़र किया है तो आपका पैसा इस वॉलेट में जा चुका है, ये आपका विड्रॉल नहीं लगा है। तो आप में से जिसको भी विड्रॉल लगाना है, अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है कि इसको विड्रॉल कैसे लगाना है, तो एक बार आई बटन पे क्लिक करें, वहाँ पे पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें प्ले लिस्ट में सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, उसमें जाके वो चेक करें, उसमें विड्रॉल लगाने का भी वीडियो मिल जाएगा और विड्रॉल का वीडियो देख ले, और उसको उसके बाद विड्रॉल का वीडियो देखने के बाद वो विड्रॉल लगाएगा तो उसका सही विड्रॉल लगेगा, उसका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर इतना भी अगर आप नहीं कर सकते हैं, वीडियो नहीं देख सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप अपलाइन से बात करिए, अपलाइन से बात करिए, अपलाइन अचीवर पे क्लिक करके वहां पे जितने लोगों का नाम शो कर रहा है उसमें से किसी से भी बात करिए, आपको पूरा क्लियर बता देगा कि विड्रॉल कैसे लगाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि आपका विड्रॉल लगा है या नहीं लगा है, और सभी का क्वेश्चन का उम्मीद और मुझे उम्मीद है कि आप सभी के क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। अर्निंग से रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।